नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। ये लो और लो ना, कैसा बना है दाल गोश्त? कमाल है परवीन आपा, आपके दाल गोश्त का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सच? माइक लाके दो। पूरे मोहल्ले को बता दो ना। She's jealous ना। दो पासपोर्ट साइज फोटो आपकी। क्यों? जायदाद आपके नाम करने वाले हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स पे लगेंगी ना तस्वीरें आपकी। क्या बोलती है तू? समीर, तुम्हें लगता है तुमको प्रवीण आपा को इतनी दूर बुलाना चाहिए था? हमारी देखभाल के लिए जरूरत थी क्या? बेवकूफों वाली बातें मत करो। इट वॉजंट मी, ये मैं नहीं चाहता था। अम्मी अब्बू चाहते थे कि परवीन आपा हमारे साथ यहां आके रहे। एक तो मेरी पोस्टिंग इस इलाके में हुई है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये घर हमारा है। अब्बा ने ये घर खरीद कर एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट की थी। मैं मानता हूं कि ये घर शहर से बहुत दूर है, मगर है तो अपना। सीबीआई ऑफिसर मिस्टर समीर खान साहब, ये घर है ना, वैसे भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ही है, शायद ही कोई इतनी दूर आके इसे खरीदना चाहेगा। मैं तुमको असली बात बताता हूं। जो मैं चाह रहा था कि तुमको ना बताऊं। इट वॉज मी। मैं चाहता था कि हम दोनों अम्मी अब्बू से अलग होकर यहां रहे कुछ वक्त के लिए। मैंने ही अपनी पोस्टिंग जानबूझकर इस इलाके में करवाई। नाउ व्हाट? आई लव यू। क्यों समीर ने ऐसा क्यों किया? आप लोगों का सिटी में इतना अच्छा घर है, आप लोग शहर से दूर यहां पर आकर क्यों रहने लग गए? दरअसल मेरा मतलब हमारी बेटी का इंतकाल हो चुका था। वी हैड अ डॉटर अदा। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके। अदा के जाने के बाद मैं टूट सी गई थी, मेंटली और फिजिकली भी। समीर ने भी नए केसेस लेने बंद कर दिए थे और उनके सारे केसेस दूसरे ऑफिसर्स को मिलने लगे, क्योंकि वो मुझ पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे। घर पर भी मेरे और मेरे सास ससुर के बीच एक खटास सी पैदा होने लगी। तभी समीर ने अपने इलाके की पोस्टिंग यहां पर करवा ली। ये भी हमारा ही घर है। वो अलग बात है कि हम इसे पिकनिक स्पॉट की तरह यूज किया करते थे। ओह दैट वे। पर मुझे बहुत बार महसूस हुआ है कि ये घर मुझसे बात करने की कोशिश करता है। कोई एक ऐसा राज है जो ये मुझे बताना चाहता है। समीर उठो, उठो समीर। क्या हुआ ऐशु? समीर मुझे लगता घर में कोई है, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, कभी दरवाजा खुलने की कभी किसी के चलने की। उठो समीर प्लीज उठो। सो जाओ ऐशा, हवा से दरवाजा खुल गया होगा, हो सकता है परवीन आपा हो। असल जलाल वाले।
कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सर जलाल और वाले क्राम। मेरी जान निकाल दी तुमने समीर। तुम क्या रात के वक्त घर का जायजा ले रही हो हम पुलिस वालों की तरह? ये तो हमारा काम है। चलो हटो, पानी पीना है। रात में भूत बनकर घूमती हो घर में, शर्म नहीं आती? What the What the hell is happening here, समीर? ये परवीन आपा के पैरों के निशान तो नहीं हो सकते? परवीन आपा, परवीन आपा, क्या हुआ बेटा? आप किचन में आए थे भी थोड़ी देर पहले। नहीं तो मैं तो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। क्या बात है, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? परवीन आपा, जमीन पर देखिए। या अल्लाह, ये सब क्या है? अल्लाह, ये सब खून भरे पैरों के निशान किसके हैं? अल्लाह, समीर, आयशा, देखो देखो, ये निशान तो वहां तक जा रहे हैं। किसके निशान है ये? या अल्लाह, कमाल है, आधी रात को बड़ी ही आसानी से कोई घर के अंदर घुसकर किचन तक जाकर वापस चला जाता है, और हम तीन तीन लोग घर में रहते हुए भी किसी को खबर ही नहीं है। वाओ, ये सब अल्लाह।